दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 20 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों कॉटन मार्केट के ऊपर लगातार हम आपको अपडेट देते हैं, विश्लेषण देते हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि जो सरकारी मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सितंबर के 20 या 21 अक्टूबर सितंबर को मानसून का रील बैक के लिए कहा था। हमने यही कहा था कि सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर में बरसात जारी रहेगी और इसका असर मानसूनी फसलों पर पड़ेगा, वैसे ही देखने में कुछ मिल रहा है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चाइना की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपसे शेयर करेंगे, साथ साथ कॉटन बाजार के ऊपर भी कुछ आपको अपडेट देंगे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAAI के अनुसार फसल सीजन 2023-22-23 के अक्टूबर से सितंबर के दौरान देश में 318.90 लाख गांठों का उत्पादन होने के समाचार मिले हैं, जो कि इसके पहले अनुमान 311.18 लाख से 7.72 लाख गांठ ज़्यादा है। पहला अनुमान 311.18 लाख गांठों का हुआ था, जो अब बढ़कर 318.90 लाख गांठों का उत्पादन का अनुमान कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिया है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 29 अक्टूबर तक कपास की बुआई 123.87 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल इस समय तक इसकी बुआई 127.73 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी, जो घटकर इस बार 123.87 लाख हेक्टेयर में हुई है। जहाँ तक ये था कुछ आंकड़ों का खेल, अब हम आपसे चर्चा करेंगे चाइना की कुछ महत्वपूर्ण कॉटन रिलेटेड खबरों से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चाइना में रुई यानी कपड़ा प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ने से सितंबर में रुई का आयात लगभग 33% बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रहा है कि सितंबर महीने में चीन का रुई का इंपोर्ट 14.11 लाख बेल्स का हुआ है, जो एक बेल्स लगभग 170 केजी की होती है। अगस्त में से 33.3% या 3.52 लाख गांठ ज़्यादा था, यानी अगस्त के मुकाबले सितंबर में चाइना का कॉटन आयात लगभग 33.3% ज़्यादा था। पिछले साल सितंबर में चीन ने 8.82 लाख बेल्स रुई का आयात किया था। इस तरह से पिछले साल सितंबर में चीन ने 165% ज़्यादा रुई का आयात किया है पिछले साल के मुकाबले। साल 2023 में चीन ने जनवरी से सितंबर महीने के बीच में 64.68 लाख गांठ रुई के आयात किया था, जो साल 2022 के मुकाबले 24.7% कम था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यह अनुमान है कि अगस्त से शुरू होने वाले नए सीजन के दौरान चाइना का रुई का आयात 128.2 लाख गांठ का होगा, जो पिछले सीजन में 79.9 लाख गांठ का हुआ था। इस प्रकार चालू सीजन के प्रारंभ में रुई का आयात लगातार चाइना में बढ़ रहा है और अगस्त से शुरू हुए नए सीजन में चीन में रुई का उत्पादन 346.2 लाख गांठ का होने का अनुमान है, जो पिछले साल 393.7 लाख गांठ था, जो इस बार घटकर चाइना में 346.2 लाख गांठ का है, यानी पिछले साल के मुकाबले 346 लाख गांठ का उत्पादन इस बार चाइना का होने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि चालू सीजन में चीन में रुई का उत्पादन पिछले साल के 47.5 लाख गांठ कम होने का अनुमान है। दूसरी ओर हम वियतनाम को देखें तो वियतनाम का कपड़ा और एपिरियल निर्यात अगस्त की तुलना में 25.55% और पिछले साल सितंबर महीने की तुलना में 5.77% गिरने के समाचार हैं। कॉटन यान का निर्यात अगस्त की तुलना में 11.73% और पिछले साल सितंबर महीने की तुलना में 34.64% बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में 2023 में के पहले 9 महीने में वियतनाम का कपड़ा और अप्रैल का निर्यात 13.6% की कमी खबर है। गौरतलब है कि गुरुवार को यानी कल चीन की कॉटन ऑक्शन में कुल 1.1760 लाख गांठें अवेलेबल थी, जिसमें से 29.67% यानी 34,879 गांठें बिकी। गुरुवार को रुई की कीमत 117 युआन गिरकर 16,977 युआन प्रति टन हो गई है।
भारतीय रुपए में औसत कीमत 506 रुपए प्रति टन गिरकर 68,372 रुपए प्रति कैंडी हो गई है। जहां तक शिनजियांग में रुई की कीमत 67 युआन घटकर 16,902 युआन प्रति टन हो गई है और भारतीय रुपए में इसकी कीमत 303 रुपए घटकर 64,429 रुपए प्रति कैंडी है। यानी चाइना का यदि हम देखें तो भारत के अनुसार लगभग 68,000 एवरेज देखें तो ये 68,000 भारतीय रुपया प्रति कैंडी से अधिक है। चीन में चालू वर्ष में नीलामी में लगातार तीसरे दिन रुई के भावों में फर्क आया है। दोस्तों अब सवाल ये है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रुई के उत्पादन की बढ़ोतरी बताई गई है, साथ साथ भारतीय कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय इस साल कॉटन की बिजाई में कमी है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सरकार कह रही है कि कॉटन के क्षेत्रफल में बिजाई में कमी आई है, साथ साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने पिछले अनुमान से लगभग 7,00,000 गांठें बढ़ाई हैं। ये तो एक भारतीय आंकड़े हो गए। चाइना के अंदर कॉटन का उत्पादन इस साल कम होने की उम्मीद है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा, अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में चाइना में कपड़ा उत्पादों की बिक्री से रुई के आयात में लगभग 33% की महीने के अंदर तेजी दर्ज हुई है। तो दोस्तों नवंबर महीना रुई के लिए निर्णायक साबित होगा। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।